2014 अक्टूबर का कार्यक्रम झारखंड साहिब में छोटा मोटा कार्यक्रम बाबा साहब का, तो मुझे कुछ बोलते नहीं आता था, लेकिन साहब ने जब मुझे छून भी मिलाए, अजय बाबा साहब का कार्यक्रम बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब का कार्यक्रम करके थे, तो साहब ने बोला था कि विट्ठल बोलना सीख, पब्लिक का काम करना है, ये करना है, वो करना है। साहब ने मुझे बहुत सी बात सिखाई। पहला भाषण मेरा साहब ने मुझे यही खड़े करके बोले थे, हाँ आज ऐसा लग रहा है, इतनी महफिल साहब की यहाँ बैठी है, ऐसा लग रहा है कि साहब अभी 10-5 मिनट के अंदर थूम के फ्रेश हो गए और साहब के इंतजार में अपन सब बैठे, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। पहला ये पहली मीटिंग है साहब के ऑफिस में, क्या साहब को छोड़ के साहब की मीटिंग होनी, ये सत्य कड़वे, ये सत्य बात। लेकिन आसिफ साहब, सेक्रेटरी साहब के जो परिवार है, सेक्रेटरी साहब का जो परिवार, ये सेक्रेटरी साहब का परिवार नहीं, ये सब बैठे ना, ये सब सेक्रेटरी का ही परिवार, जिसकी वजह से सब अपने यहां बैठे, यहां सब जमा हुए। तो आसिफ साहब, हम तुमने मशवरे की मीटिंग रखी है, तुमको मैं एक मशवरा देता हूं कि तुम नर्वस कभी मत होना, हम जब तक जिंदे हम तुम्हारे साथ, जो सेक्रेटरी साहब को छोड़ के जाएगा, जो दूसरी पार्टी में जाएगा, वो दो बाप के औलाद है, ये उत्तर नर्वस होगा। साहब ने मुझे लड़का माना था, साहब जिंदे थे, साहब मुझे लड़का मानते थे, कोई गांव को मालूम नहीं, पूरे लोग को मालूम है, कोई लोग मेरी मजा नहीं लेते थे, क्या तेरा बाप आ गया, ये आ गया। मैंने बोला माँ बाप तो पैदा करने वाले रहते हैं, संभालने वाला भगवान से बढ़कर रहता है और बाप से बढ़कर रहता है। तो सेक्रेटरी साहब ने मेरी क्या औकात थी, मेरी क्या लायकी थी, ये मुझे मालूम है, पूरे गांव को भी मालूम है, लेकिन मुझे इज्जत में बैठाने वाला सेक्रेटरी साहब है। माँ बाप ने तो पूरी मुझे पैदा करके एक रस्ते पर लगाया, लेकिन सेक्रेटरी साहब से जब मैं जुड़ा, मेरे को लीडर से मैं जुड़ा हूं, मैं नदी के पार के लीडर से भी रहा, इधर के लीडर से भी रहा, लेकिन मुझे किसी ने मार्गदर्शन किया नहीं, मुझे किसी ने संभाला नहीं, मेरे परिवार को मार्गदर्शन किया नहीं। हर सेक्रेटरी साहब ने मेरे परिवार को मुझे मार्गदर्शन किया, मुझे एक बुरे इंसान से अच्छा इंसान बनाया। तो सेक्रेटरी साहब मेरे से भगवान से बढ़कर है और मेरे बाप से ही बढ़कर, ये बात मैं जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरा परिवार जिंदा है आसिफ साहब, तब तक हम सेक्रेटरी साहब को हमारे दिल में रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। मैं एक बात बोलता हूं, जितने भी लोग पढ़े, हर आदमी के घर में मौत मयत हुई, जिसके घर में मौत मयत होती है तो उनको कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। शेख रजीत साहब तो ऐसे एक लीडर थे, ऐसे चाहने वाले थे, तो दुश्मन भी साहब के बारे में बोलते थे क्या साहब, तो तुम्हारे क्या बीतती होंगी, तुम्हारे परिवार में क्या बीतती होंगी, ये हमको मालूम। कोरोना के टाइम पे मेरा भांजा जहां गुजर गया था साहब, तो रात के 2:30-3 बजे साहब का मुझे फोन आया, साहब ने मुझे एक बात बोले, विट्ठल जो हो रहा था वो हो गया, एक एक करके 8-8, 10-10 लोग फैमिली मर गई है, लेकिन अभी जो वो हुआ बोले, आसिफ साहब मेरे भांजी की शादी में भी आए थे, उतने रात में मुझे साहब ने एक शब्द बोला था कि विट्ठल जहां तक पत्नी की लिखी है वहां तक आदमी जिंदा रह सकता है, तू जितने तू ही मर जाएगा लेकिन वो आदमी जिंदा नहीं हो सकता, तो तेरे परिवार को तेरी जरूरत है, तेरे बच्चों को तेरी जरूरत है, उसके ऊपर ख्याल दे, ध्यान दे, और ध्यान दे के पूरे परिवार को लेके चल, ये दुख में हम तेरे साथ है, हर कुछ कोई आचे नहीं कुछ नहीं। तो साहब ने ऐसा बोल के सब हमारा पूरा, मेरा जो दिमाग निकल जो था ना, पूरा जहन उनने उतारा, और जिसके घर में जो आदमी को चाहते है ना, वो आदमी के घर का कोई आदमी मर जाता है ना, तो आदमी कितना दुखी रहता है, उसके परिवार को मालूम है, उनके ऊपर क्या जीतती होगी नहीं जीतती होगी मुझे मालूम है। साहब जाने के बाद हम 2-4 दिन में साहब के कंटू ने घर पे जा रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, तो हाजी साहब उनके सब उनके साथी जो जाते थे इमरान भाई उनके पास, वहां भैया के उनके पास, तो छोटे छोटे बच्चे पूछते थे दादा का दादा कब आएंगे, तो बच्चों को प्यार से क्या बोलते थे, बेटा दादा अल्लाह जी के घर पे जाए, अल्लाह मियां को बोलो दादा को भेजो, ऐसे छोटे छोटे जो जो बच्चे साहब जिनसे साहब से छोटे छोटे बच्चे प्यार करते हैं, इंसान तो अपनी भी दिल पे क्या बीतती होती, क्या तकलीफ होती होंगी, और उनके ऊपर क्या बीत रही है उनको मालूम है। मैं इतनी बात बोलती हूँ, बात